हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे कि जो आपका स्केचअप 2023 है उसके अंदर फ्लिप कमांड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास यहाँ पे लार्ज टूल सेट में एक कमांड है फ्लिप कमांड, जिसको आप राइट क्लिक करके लार्ज टूल सेट ओपन कर सकते हैं। तो इस फ्लिप कमांड को यूज करने के लिए करना क्या है, मान लो आपके पास इस तरीके से एक सोफा सेट है, ठीक है। अभी मेरे को इसे फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आप इस पे क्लिक करो, क्लिक ऑन फ्लिप। फ्लिप करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको तीन एक्सिस नजर आएंगी, ग्रीन एक्सिस, ब्लू एक्सिस एंड रेड एक्सिस। आप किसी भी एक्सिस पे क्लिक करोगे तो वो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर देगा। रेड पे क्लिक करो, रेड के अकॉर्डिंग फ्लिप कर रहा है। ब्लू पे करो तो ब्लू के अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर दे रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट, प्लेन के ऊपर सिलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हो। अब इसके अंदर और भी ट्रिक्स हैं, क्या क्या है आपको बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप फ्लिप पे जाके राइट में इंस्ट्रक्टर टूल पे चलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे फ्लिप के बारे में बताया गया है, टूल ऑपरेशन जो आप कर चुके हो। यहाँ पे है सिलेक्ट द आइटम ऑन ऑब्जेक्ट वन टू फ्लिप, ये आप कर चुके हो। क्लिक के प्लेन टू फ्लिप द सिलेक्शन, ये भी कर चुके हो। अब एक चीज ऑप्शनल है यहाँ पे, ड्रैग ए प्लेन टू फ्लिप द सिलेक्शन टू ए न्यू लोकेशन फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो आपके फ्लिप वाले प्लेन है ये उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। अगर मैं इन प्लेन को चेंज करना चाहूं, कहीं और से फ्लिप करना चाहूं, तो आप किसी भी प्लेन पे क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग कर सकते हो। ऊपर मेजरमेंट पे डिस्टेंस देख सकते हो कितने डिस्टेंस से वो हो रहा है। आप मान लो इसको यहां पे रखना चाहते हो तो वो इस प्लेन के अलोंग विद आपका मिरर होगा, अगर आपको फ्लिप होगा, अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप इस चीज को फ्लिप कर सकते हो। क्लियर है? अब यहां पे एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको कॉपी करना चाहो तो किस तरीके से कॉपी कर सकते हो। मान लो मैं इस ग्रीन एक्सिस को इस साइड कॉपी करना चाहता हूं, अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो कर्सर के साथ देखो आपका एक प्लस का साइन आ जाता है। अगर आप अब क्लिक करोगे तो वो उसको फ्लिप करने की बजाय वो उसको एक मिरर कर देगा, आपका एक मिरर इफेक्ट यहाँ पे ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका मिरर मेरे को सामने चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक एंड होल्ड करके यहाँ पे लिया है प्लेन को, और इसको मैं मान लो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ले आया, और इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्रोल प्रेस करके तो इसको यहाँ पे ये फ्लिप कर देगा, मिरर कर देगा और फ्लिप हो जाएगा आपका। इस तरीके से भी आप अपने फ्लिप वाले प्लेन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल वाला भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करने के लिए अब एक ऑप्शन आता है यहाँ पे अल्ट। अल्ट क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं अंडू करूं, अल्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अल्ट के लिए देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको मैं रोटेट कर दूं इस एक्सिस पे, अभी देखो विदाउट रोटेशन क्या हो रहा है कि अगर मैं फ्लिप ले रहा हूं तो जो ये फ्लिप वाली कमांड आ रही है, फ्लिप वाले प्लेन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जैसे जो रेड है वो परपेंडिकुलर टू रेड, ग्रीन है परपेंडिकुलर टू ग्रीन, और ब्लू है परपेंडिकुलर टू ब्लू। जो आपके ग्लोबल एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग आपके प्लेन आ रहे हैं। बट अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूं, मान लो मैंने ब्लू एक्सिस से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया, मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है। अब अगर मैं फ्लिप कमांड यूज करता हूं तो देखो फ्लिप कमांड कैसे आ गए, जो इसकी ओरिएंटेशन है ठीक है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लिप आया है। बट अगर आप इसे ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो अल्ट प्रेस करोगे तो ये फ्लिपिंग प्लेन आपके ग्लोबल एक्सिस के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ये होगा अल्ट प्लेस करने से। यहां पे आप देख पा रहे हो अल्ट के साथ आप इस तरीके से कर सकते हो, तो अब आप इस तरीके से इसको फ्लिप कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद है नॉर्मल आपका एरो बटन से। अब आप फ्लिप कमांड यूज करने के बाद अगर एरो बटन भी प्रेस करोगे, लेफ्ट प्रेस करोगे, राइट प्रेस करोगे, तो आप बता रहे हैं यहाँ पे राइट के लिए रेड, लेफ्ट पे ग्रीन एक्सिस से प्लेन पे आपका फ्लिप होगा, और अप से ब्लू एक्सिस पे आपका फ्लिप होगा। तो आप एरो बटन से भी इसको फ्लिप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरो बटन। उसके बाद अगर मैं कोई शॉर्टकट की यूज करना चाहूं फ्लिप करने के लिए, तो आप जाओ विंडो पे, प्रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे जाओ शॉर्टकट पे, यहाँ पे लिखो फ्लिप। फ्लिप लिख करने के बाद जैसे आपका ये मैंने असाइन की हुई है, मान लो ये आपका असाइन नहीं होती यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे फ्लिप ब्लू पे आप यहाँ पे जाओ एक शॉर्टकट बना दो, मान लो कंट्रोल प्लस बी असाइन कर दिया। फ्लिप ग्रीन पे एक शॉर्टकट बना दी कंट्रोल प्लस जी असाइन कर दिया, और फ्लिप रेड से आप एक बना दे सकते हैं कंट्रोल प्लस आर फ्लिप कर दिया एंड ओके। अब अगर मैं फ्लिप कमांड यहाँ पे लगाता हूं विदाउट एनी क्लिक, आप कंट्रोल प्लस आर करोगे रेड एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लिप होगा, जी करोगे ग्रीन एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, बी करोगे
ब्लू एक्सिस के अकॉर्डिंग फ्लिप हो जाएगा। आपको सिंपल क्लिक करना है और आपको शॉर्टकट लगा देना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लिप हो जाएगा। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है कि 2023 में जो जो अपडेशन आई है उसमें कितना कितना आपका टाइम बचेगा, कैसे कैसे आप टूल्स को यूज कर सकते हो, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में जो जो यहाँ पे आने वाला है वो आपको टाइमली यहाँ पे पता चलता रहे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी ऐप पे जाके देख सकते हैं, वहां पे काफी सारे कोर्सेज है जिनको आप परचेज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को बड़े इजी वे में सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।